इच्छाधारी नाग आया था। कोई माता जी बैठी हुई है, माता जी के पास में दीवाल है, दीवाल के सहारे जल के अंदर घुस गया। मेरे फोन किया, मैं आया हरिओम आश्रम से और आकर के मैंने पकड़ा। ये मेरे हाथ में 4-5 फीट लंबा है, बहुत इच्छाधारी नाग है और इसका भोजन है मेंढक और चूहा, पर इसने अभी तक कुछ नहीं खाया, इसके पेट में कुछ भी नहीं, इसको कोई भोजन नहीं मिला अभी तक, भोजन की तलाश में घूमता रहता है, ना जाने कब का रह रहा है। कच्ची दीवाल है, कच्ची दीवाल में था और ये सब डर रहे थे, लेकिन असली इच्छाधारी ना है, क्योंकि ये कभी नजर आता कभी नहीं आता है, इसकी इच्छा के अनुसार चलता है। ये इच्छा धारी ना माता जी का स्थान है, ये यहीं रहता है, एक अच्छी दीवार है उसके अंदर रहते हैं और आज इसे दिखे और मेरा नंबर है 990-735-3636 और यूट्यूब पर चैनल भी चलता है हरिओम गुरुदेव बनो। और ये आदमी को काटता, जानवर गाय भैंस को काटता 10 मिनट की मदद है, 10 मिनट के अंदर कोई भी पशु जानवर खत्म कर सकता है। 3 तोला जहर रहता है इसके अंदर, एक आंसू का टप्पा पड़ता है, इतना ही काफी है काटने के लिए, एक चीज। और एक बार एक साथ में जहर निकाले तो 40 आदमी खत्म कर सकता है, इतना जहर है इसके अंदर। और ये क्या मालूम, ये इच्छाधारी नाग है। आप इच्छाधारी इसकी क्या कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है। एक छिपकली गिर जाए पानी सब्जी के अंदर तो 150-200 आदमी खत्म कर सकती है, लेकिन इसका तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यह तो कालेश्वर का रूप है, कालेश्वर ही रखता है, क्या मालूम कितने दिन तक ये थे,